अब आपको खबर दिखाते हैं गोड्डा की, जहां सदर प्रखंड के कुरमन आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती को आयरन की गोली दे दी गई। वो आयरन की गोली तो दी गई लेकिन ये गोली एक्सपायर्ड थी। जी हाँ, गर्भवती को एक्सपायरी दवाइयां दी गई। आयरन एंड फोलिक एसिड नाम के इस दवाई की बैच पर झारखंड सरकार का लेबल लगा है। गर्भवती महिलाओं ने ये बताया कि ये दवा आंगनबाड़ी में ANM के द्वारा दी गई है और दवाई लेते ही उनके पेट में दर्द और कई तरह की समस्याएं होने लगी। देखिए, ये खबर आपको हम बताएं कि कितनी बड़ी लापरवाही है आंगनबाड़ी केंद्रों में, जहां पर गर्भवती आती हैं आयरन की गोलियां लेने के लिए, जो प्राथमिक तौर पर गर्भवतियों को दवाइयां दी जाती हैं, और यहां पर आयरन की गोली तो उन्हें दी गई लेकिन ये सारी दवाइयां एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, एक्सपायरी मेडिसिन हैं, और ये दवाइयां तमाम जो वहां पर महिलाएं पहुंची उनको दी गई, और अब ये दवा लेने के बाद उन महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। हमारे साथ दिलखुश जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी दिलखुश। ये इतनी बड़ी लापरवाही, क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया, और ANM जो वहां पर मौजूद हैं उनके उनसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? इससे तो जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा है। अब एक्चुअली जो है, गर्भवती महिला करीब एक माह से दवाई खा रही थी और पेट में दर्द और प्रॉब्लम काफी होने की आकांक्षा बता रहा है, और यह भी सूचना मिली है कि जब अचानक देखा कि एक्सपायरी लिखा हुआ है तो दवाई छोड़ा और तुरंत जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी को इस मामले को सूचित किया कि इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है, तो इलाज के लिए गया। तो इलाज में बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, दवाई छोड़ दीजिए, एक्सपायर दवाई है। तो फिर इस मामले को लेकर मीडिया को भी बताया गया। तो क्या कुछ इसके बाद कुछ और महिलाओं को दूसरी जगह, कितनी महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है वहाँ पर? हाँ, जिस महिला ने स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने, वो महिला बताई है कि तबीयत बिगड़ी है, इलाज के लिए अस्पताल गई, फिर उसके बाद कुछ अलग दवाई दिया, फिर उसके बाद ठीक है तबीयत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कितनी बड़ी लापरवाही है ये, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवाइयां भेजी भी गई तो जिस आंगनबाड़ी केंद्र में ये दवाइयां रखी हुई थी, जिस ANM के हाथ ये जिम्मा था, कम से कम उन्हें ये देखना चाहिए था कि जो दवाइयां गर्भवतियों को दिया जा रहा है, दी जा रही है दवाइयां, क्या वो सही है या नहीं है। इस तरह से एक्सपायरी दवाइयां जो दी गई हैं, उसके बाद देखिए कुछ महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है, पेट दर्द की शिकायत हो रही है और भी कई समस्याएं उन्हें हो रही हैं, और ऐसे में अगर कुछ होता है तो फिर इसकी जवाबदेही कौन लेगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा।